गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बच्चों इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स के क्वेश्चन नंबर वन का सेवन पार्ट और क्वेश्चन नंबर वन क्या है बच्चों इसमें बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेजन्स बाय रिड्यूसिंग दम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेजन क्या बोला है ये जो हमें पेयर ऑफ इक्वेजन्स दिए हैं इनको पहले इक्वेजन कौन सी इक्वेजन लीनियर इक्वेजन लीनियर इक्वेशंस में जो है वो रिड्यूस करना है और उसके बाद सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों बहुत सारे पार्ट्स कर लिए हैं इसके अब तो आपको नॉलेज होगी होगी कि हमें वेरिएबल लेना पड़ता है पहले लेट करनी पड़ती है वैल्यू को न्यूमिरेटर और डिनोमीटर को तो यहाँ पे इसका वन ले लेते हैं न्यूमिरेटर का और डिनोमीटर का हमें पूरी वैल्यू लेनी पड़ती है अगर वो प्लस माइनस से सेपरेट हो रही होती है अगर सिंगल ही अल्फाबेट होता है तो वही आएगा और अगर उसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है या उसके साथ प्लस माइनस हो रही है तो प्लस माइनस होने पर पूरा लेना पड़ेगा और मल्टीप्लाई होने पर हम अल्फाबेट ले लेते हैं वेरिएबल वैसे ही रह जाता है सॉरी अल्फाबेट वेरिएबल ले लेंगे डिजिट वैसे ही रह जाएगा ओके okay. सो so, जैसे इसमें बोला है टेन अपॉन एक्स प्लस वाई तो इसको हम लेट कर लेंगे बच्चों इस तरह से ऊपर न्यूमिनेटर ले लेंगे वन और डिनोमीटर क्योंकि प्लस के साइन से दोनों वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं तो इसलिए दोनों को ले लेंगे सो वन अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा हमारे पास u एंड वन अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वी ये लेट कर लिया अब दोनों ए वन अपॉन एक्स प्लस वाई और वन अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में रिप्लेस करेंगे बारी बारी और हमें इक्वेशंस मिल जाएंगी सो so, पहली इक्वेशन यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा डिजिट क्योंकि ऊपर है तो डायरेक्ट इक्वेशन बनेगी टेन यू प्लस टू वी इक्वल्स टू फोर दैट इज फर्स्ट और वैसे इधर बच्चों ये भी बन जाएगी फिफ्टीन यू माइनस फाइव वी इक्वल्स टू माइनस टू या आगे सेकेंड और फिर करेंगे एलिमिनेट देन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ओके वन टेन यू प्लस टू वी इक्वल्स टू फोर और सेकेंड फिफ्टीन यू और माइनस फाइव वी इक्वल्स टू माइनस टू बहुत ही रहा है ओके okay. अब बच्चों में इक्वल करना पड़ेगा टू वी और फाइव वी इनमें दोनों में अपोजिट साइन है और ये इनके दोनों के ही टेबल में टेन आता है टू फाइव टेन, फाइव टू टेन। तो हम क्या कर सकते हैं इनको इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेजन को फाइव से फाइव टू ज टेन और दूसरी इक्वेजन को टू से टू फाइव से टेन तो लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेजन वन बाय फाइव एंड ऑन लिख लो यहाँ ऑन मल्टीप्लाइंग ओके फाइव एंड इक्वेजन टू बाय टू ओके फाइव से फाइव टेन जा फिफ्टी फिफ्टी यू प्लस फाइव टू जा टेन टेन वी इक्वल्स टू फाइव फोर सा ट्वेंटी फिर टू से टू फिफ्टीन सा थर्टी माइनस टू फाइव सा टेन और टू टू जा फोर और माइनस का साइन साथ में अब पहले से ही ऑपोजिट साइंस हैं और इक्वल भी हो गई तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएंगी ये एलिमिनेट हो गई मतलब माइनस हो गई आपस में और हमारे पास बच गया फिफ्टी प्लस थर्टी एटी यू और यहां ट्वेंटी में से फोर माइनस हो गया आ गया सिक्सटीन देन यू इक्वल्स टू सिक्सटीन अपॉन एटी सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन फाइव जा ओके यू की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास वन अपॉन फाइव अब ऑन पुटिंग यू एन इक्वेशन वन यू को फर्स्ट इक्वेशन में भर देंगे इसकी वैल्यू को तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी बच्चों टेन यू प्लस टू वी इक्वल्स टू फोर ओके अब टेन मल्टीप्लाई यू की वैल्यू यू की वैल्यू है बच्चों वन अपॉन फाइव एंड प्लस टू वी इक्वल्स टू फोर फाइव से टेन कैंसिल हो जाएगा फाइव वन जा फाइव टू जा क्या बचिए बच्चों हमारे पास टू वन ज टू और प्लस टू वी इक्वल्स टू फोर टू वी इक्वल्स टू फोर अपनी साइड पे राइट right में प्लस का लेफ्ट से प्लस का टू राइट right में माइनस हो जाएगा देन टू वी इक्वल्स टू टू और वी इक्वल्स टू टू अपॉन टू वन ओके वी आ गया वन बच्चों और यू आ गया वन अपॉन फाइव अब यू और वी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे जहां पे हमने वेरिएबल लेट किए हैं और जहाँ पे हमने लेट किए है वैल्यूज क्या क्या लेट किया है हमने हमने लेट किया है वन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या लिया है u एंड वन अपॉन एक्स माइनस वाई लिया है बच्चों v तो अब जो जो वैल्यू लेट किया है उसको रिप्लेस कर दो वन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू यू यू क्या है वन अपॉन फाइव क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा सी हो जाएगा फाइव इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस वाई और ये वैल्यू होगी क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस ऑलरेडी हैं तो इनको इसको हमें नेम देंगे बच्चों ये बन जाएगी थर्ड अब देख लो थर्ड एक और हमारे पास दो इक्वेशंस और बन रही हैं दोबारा एलिमिनेट करेंगे तब हमें एक्स और वाई मिलेगा ओके okay, ये गई थर्ड इक्वेशन नाउ आगे वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वी और वी है वन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू इस तरह से आ जाएगी बच्चों क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा X y, और इसको हम नेम दे देंगे फोर्थ इक्वेशन फिर अगेन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ देखो थर्ड क्या है मेरे पास फाइव इक्व टू एक्स प्लस वाई तो मैं सही तरीके से लिख लेती हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव और वैसे ही वन इक्व टू एक्स माइनस वाई सो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन ओके पहले से ऑपोजिट साइन है वाई वाई में तो ये पहले एलिमिनेट हो जाएंगी कैंसिल हो गई और वन एक्स और वन एक्स दोनों ही प्लस के हैं प्लस हो जाएंगी वैल्यू ये बन जाएंगे टू एक्स और फाइव और वन हो गया सिक्स देन एक्स इक्वल्स टू सिक्स अपॉन टू थ्री एक्स आ गया बच्चों थ्री अब क्या करेंगे एक्स को किसमें पुट कर देंगे थर्ड में नाउ क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई इक्व टू फाइव और एक्स है थ्री थ्री प्लस वाई इक्व टू फाइव देन वाई इक्वल टू फाइव माइनस थ्री और वाई की वैल्यू आ गई बच्चो हमारे पास टू सो so, ये निकालनी थी हमने वैल्यूज़ क्या क्या आया हमारे पास x इक्वल्स टू थ्री वाई इक्वल्स टू टू इक्वेजन को एलिमिनेशन करने पर एलिमिनेट करने पर u और v मिला u और v को जहाँ हमने वैल्यू लेट की थी वहाँ पे रिप्लेस कर दिया और फिर दोबारा से हमें दो इक्वेजन्स और मिल गई उन दो इक्वेजन्स को थर्ड और फोर्थ नेम दिया उनको फिर एलिमिनेट किया एलिमिनेशन करने पर हमें एक्स और वाई मिला सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना आई होप आपको समझ आ गया है क्वेश्चन और समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू सो मच